स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो यू बी ट्रिपल सी की तरफ से वीक ब्रेकिंग न्यूज, आयोग के द्वारा धड़ाधड़ तीसरी नोटिस जारी। तो आयोग के द्वारा लगातार ये तीसरी नोटिस जारी हुई है जो कि विज्ञापन संख्या 18/5/2016 से संबंधित है। प्रत्यावेदन के आधार पर मिला मौका, तो प्रत्यावेदन के आधार पर अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। तो कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको प्रत्यावेदन के आधार पर मौका मिला है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही 17 सितंबर ये तीसरा नोटिस आयोग के द्वारा लगातार जारी किया गया है और ये है आपका 18/5/2016 के विज्ञापन से संबंधित, जिसमें आपके खेल एवं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक प्रशिक्षक के 11 पदों के सापेक्ष जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए थे, 54 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए, तो उसमें प्रत्यावेदन आमंत्रित किए गए थे। तो प्रत्यावेदन जो लिए गए थे वह आपका 2 सितंबर 2024 5 बजे तक आपको प्रत्यावेदन देना था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 अगस्त 2024 के क्रम में कार्यालय में प्राप्त प्रत्यावेदन के संबंध में विषय विशेषज्ञ और माननीय आयोग की बैठक 6 सितंबर 2024 को निम्नलिखित सारणी में अंकित एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार की कार्यवाही में सम्मिलित किया गया है। तो प्रत्यावेदन के आधार पर एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 सितंबर को द्वितीय पाली में इनको बुलाया गया है। तो ये है मयंक कुमार, यहाँ पे पंजीकरण संख्या और पदनाम सहायक प्रशिक्षक बैडमिंटन जनरल कैटेगरी का है। तो इनको 19 सितंबर की दूसरी पाली में बुलाया गया है। प्रथम पाली में तो जो अभ्यर्थी थे ही, और ये द्वितीय पाली में ये प्रत्यावेदन के आधार पर इस अभ्यर्थी को बुलाया गया है। तो प्रत्यावेदन के आधार पर भी एक अभ्यर्थी को जो है साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपकी विज्ञापन संख्या 18/5/2016 से संबंधित। तो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।